हेलो चिल्ड्रन, मैं हूँ ममता मैम और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगी इंग्लिश। इंग्लिश में नर्सरी क्लास में आप लोग कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों सीख चुके हैं, तो आइए फिर से आज आप लोग इंग्लिश में कैपिटल लेटर ही सीखेंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक सीखेंगे। तो बच्चों, आप लोग कॉपी पेंसिल इरेजर निकाल लीजिए। देखिए, यहाँ पर हम फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं। इसमें सबसे पहले आप ए लिखिए। देख रहे हैं किस तरह से हम ए लिखे हैं? ए तीनों लाइन पर ये ए आता है। ए के बाद आपको लिखना क्या है? ए के बाद क्या आता है आप लोग को पता है? ए के बाद आता है बी, तो बी लिखिएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या आ जाएगा? खुद से लिखना है सी। डी यहाँ पर हम लिख देते हैं। डी के बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है ई। उसके बाद आपको क्या लिखना है? ई के बाद एफ लिखना है। फिर हम यहाँ पर जी लिखते हैं। जी के बाद आपको लिखना है एच। तो देख लीजिए, यहाँ पर फिर से हम लोग आते हैं। ए हम लिख चुके हैं। ए के बाद आपको लिखना क्या है? बी। बी के बाद सी। सी के बाद डी मेरा लिखा हुआ है। डी के बाद आप लिखिए ई। ई के बाद लिखिए एफ। एफ के बाद हम लिख दिए हैं जी। जी के बाद आप लोग एच लिखिए। एच के बाद आप लिखिएगा यहाँ पर आई। आई के बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं जे। जे जे के बाद क्या होगा? खुद से लिखिएगा। जे के बाद हो जाएगा के। के के बाद क्या हो जाएगा? एल। एल के बाद हम लिखते हैं एम। एम के बाद आप लिखिएगा एन। एन के बाद ओ। फिर से हम यहाँ पर पी लिख देते हैं। पी के बाद क्या होगा आपको लिखना है? पी के बाद हो जाएगा क्यू। क्यू के बाद आपको लिखना होगा आर। उसके बाद हम एस लिख देते हैं। एस के बाद आपको टी लिखना है। टी के बाद आपको यू लिखना है। यू के बाद हम भी खुद से लिखते हैं। भी के बाद आपको डब्ल्यू लिखना है। उसके बाद एक्स हम लिख देते हैं। आपको यहाँ पर क्या लिखना है? वाई। और हम यहाँ पर जेड लिख देते हैं। तो फिर से यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हम ए लिख दिए हैं। ए के बाद आपको बी लिखना है। बी के बाद सी लिखना है। डी लिख दिए हैं। डी के बाद ई लिखना है। ई। उसके बाद एफ। जी लिखा हुआ है। जी के बाद एच होगा। एच के बाद आई लिखिए। जे लिखा हुआ है। जे के बाद के। के बाद एल। एम। एन। ओ। पी। क्यू। आर। एस। उसके बाद टी। यू। वी। डब्ल्यू। एक्स। वाई। जेड। इसी तरह से आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो बच्चों, आप लोग अब होमवर्क लिखिए। होमवर्क में व्हाट कम्स आफ्टर लिखिए मेरे साथ साथ। ए ए के बाद लिखिएगा यहाँ पर बी। यहाँ पर सी लिखते हैं। सी के बाद आपको लिखना है डी। डी उसके बाद यहाँ पर हम ई लिखते हैं। ई के बाद लिखना होगा आपको एफ। यहाँ पर हम जी लिखते हैं। जी के बाद एच। आई के बाद यहाँ पर लिखना होगा आपको जे। के बाद एल। एम के बाद एन। ओ के बाद पी। क्यू के बाद आर। एस के बाद टी। और यू के बाद भी। डब्ल्यू के बाद एक्स। इतना ही होमवर्क है, इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। बाय बाय।